दर वर्षे 28 जुलाई रोज विश्व हिपेटाइटिस दिवस उजववामां आवे छे। विश्व हिपेटाइटिस दिवस की स्मृति में सर्वोदय चेरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर एक अग्रणी बिन लाभकारी संस्था आ प्रदेश में रक्त सलामती ने मजबूत करवा अने सुरक्षित रक्त तब्दीली द्वारा हिपेटाइटिस फैलावा ने समावा माटे एक अग्रणी पगलू जाहिर करे छे। आ तरफ ब्लड बैंके तमाम रक्तदान माटे अर्धतन न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग संकलित कर्यु छे, जे बधा माटे सुरक्षित रक्तनी पहोंच सुनिश्चित करे छे। भारत में वायरल हेपेटाइटिस ने जाहिर आरोग्य की चिंता तरीके वधु ने वधु ओळखवामां आवी रही छे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट अनुसार भारत हेपेटाइटिस बी और सी चेप माटे वैश्विक स्तरे बीजा क्रमे छे अने 2022 में 35 मिलियन केस नोंधाया छे। सुरक्षित रक्तनी उपलब्धता ए वायरल हेपेटाइटिस एचबीवी और एचसीवी ने रोकवा माटे सौथी महत्वपूर्ण पगला पैकी एक छे। તાકીદને ઓળખીને સર્વોચ્ચ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બ્લડ સેન્ટરે ગુજરાતમાં સલામત રક્તની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ત્રિપાંખી અભિગમ શરૂ કર્યો છે। મેડિકલ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ક્વોલિટી રોજ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ઇન્ડિયા રોજ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ઇન્ડિયા इन्होंने ये एडवांस नेट टेस्टिंग जो आरटीपीसीआर बेस्ड मशीन है यहाँ पे इंडिया में उपलब्ध की है। जैसे कि काफ़ी स्टेट में ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में नेट टेस्टिंग जनता के लिए अवेलेबल किया है। जैसे हब एंड स्पोक मॉडल है जहाँ पे एक सेंटर पे मशीन अवेलेबल है एडवांस मशीन एंड बाकी जो ब्लड बैंक्स है उसको कनेक्टेड है, तो उस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उपलब्ध करा पाए हैं। जैसे कि जो इंडिया में 1.25 करोड़ डोनेशंस होते हैं बट ओनली 20% जो ब्लड नेट टेस्टेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ ब्लड उपलब्ध करना कराने के वास्ते कि ये हब एंड स्पोक मॉडल और सेंट्रलाइजेशन मॉडल अपना इंडिया का जो नीड है वो हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं।